जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हमेशा कहता हूं कि कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, सबसे प्रिय राशि है। और जब भी मैं इस राशि के लिए वीडियो बना रहा होता हूं, तो मैं विशेष ध्यान दे करके एक एक चीज को बारीकी से समझ करके अपने परिवार की तरह सोच करके हर एक एस्पेक्ट पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। सो मई 2024 में क्या है खास आपके लिए, क्या विशेष रहने वाला है, वो इस वीडियो में मैं जानकारी आपके लिए दूंगा। खैर, मैं एक बात आपको दोबारा कहना चाहता हूं, यदि भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि आप लोग अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, और आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल लाभ, ज्योतिषीय लाभ प्राप्त हो, ज्योतिषीय उपाय प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, दोषों से निवृत्ति का कोई उपाय प्राप्त करना हो, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग कथा का आयोजन कर सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं, 6 जून को शनि देवता, जो आपके राशि के स्वामी हैं, उनकी जयंती है, उनका जन्म दिवस है। सो ऐसे कंडीशन में हम एक बहुत बड़े रूप में शनि यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, शनि का सुंदर तैलाभिषेक, फिर एक वैदिक यज्ञ इत्यादि का आयोजन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि उस यज्ञ में आपका, आपके परिवार का नाम सम्मिलित किया जाए, तो प्लीज आप कॉल करके डिटेल नोट करा सकते हैं। अयोध्या के अंदर भी शनि का पूजन हम करने जा रहे हैं, अयोध्या के अंदर सुंदर कांड का पाठ आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि शनि की जो 7.5 या दोष इत्यादि, उससे आप सबको मुक्ति प्राप्त हो। आप हमें प्लीज कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, सम्मिलित भी हो सकते हैं, अपना नाम भी लिखा सकते हैं। सो कुंभ राशि के लिए किस प्रकार व्यतीत तो होगा मई 2024, ये बहुत सारी चीजें आपके लिए चलती हैं। कुंभ के लिए बहुत सारे कार्यक्रम मैं आयोजित करता रहता हूं, तो कोई भी यज्ञ, 7.5 दोष निवारण, सुंदर कांड पाठ इत्यादि सब कुछ आप मेरे द्वारा अपने लिए करा सकते हैं। सो आपके राशि स्वामी एज यूजुअल आपकी राशि में गोचर करेंगे, लेकिन सेकंड हाउस में राहु, मंगल और बुध गोचर करेंगे। थर्ड हाउस के अंतर्गत शुक्र और सूर्य गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में बृहस्पति का गोचर रहेगा कुंभ राशि के लिए। एट्थ हाउस में केतु गोचर करेंगे। क्या होगा आखिर, और कैसे बनती है कुंभ राशि, और क्या होता है खास कुंभ राशि के अंतर्गत। कुंभ राशि आप जानते हैं काल पुरुष के 11वें अंक की राशि है। कुंभ राशि पश्चिम दिशा की राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि देवता है, और कुंभ राशि का जो निर्माण होता है, जो कुंभ राशि बनती है, वो धनिष्ठा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल हैं, दो चरण, सद्भिषा नक्षत्र जिसके स्वामी राहु हैं, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के 3 चरण जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। मंगल, राहु और बृहस्पति 3 प्लैनेट और शनि इसके स्वामी, 4 प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट कुंभ राशि के अंतर्गत होता है। अब और बड़ा इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होता है, कुंभ राशि के जातक जातिका को किस देवता की विशेष पूजा भी करनी चाहिए जिससे उनको लाभ की प्राप्ति हो। अगर हम बात करते हैं कुंभ को लेकर के, तो जैसा कि वसु, अष्टवसु जिनको कहा जाता है, भीष्म पितामह भी एक वसु थे, तो उनका, अष्टवसुओं की पूजा करना विशेष फायदा है। वरुण यानी कलश की स्थापना करना, कलश पूजन करना, जल देवता की पूजा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अजय कपाद यानी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, अजय कपाद का पूजन करना बड़ा फायदेमंद होता है। ये देवता कौन है, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, उस पर किसी वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आपको मई में क्या क्या विशेष ध्यान रखना है, क्या क्या प्राप्त होगा। सो एक तो बृहस्पति जो कि एकादश भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है, वो आपके लिए फोर्थ हाउस में गोचर करने आ गए हैं। ये एक बहुत दिन से जो अनसेटिस्फेक्शन चल रहा था लाइफ के लिए, मुझे पता है, देखो कुंभ राशि के लिए जब मैं बात करता हूं तो ऐसे नहीं कहता हूं कुंभ राशि मेरी प्रिय राशि है। मैं ये जानता हूं कि जीवन में अगर कुंभ राशि को देखा जाए तो सबसे ज्यादा संघर्ष की जाती है कुंभ राशि के अंतर्गत। बहुत संघर्ष करते हैं कुंभ राशि के लोग, आसानी से कुछ प्राप्त नहीं होता है, और धोखा अगर देखा जाए सभी के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट के नाम पर देखा जाए तो 0 मिलता है। लोग काम हो जाने के बाद तोते की तरह अपनी आंखें बदल लेते हैं। मैं अगर कुंभ राशि की चर्चा करता हूं तो मैं देखता हूं कि शायद कुंभ राशि का व्यक्ति है जो हर समय दूसरों के साथ खड़ा रहता है, खड़ी रहती है, लेकिन इमोशनली हर्ट किया जाता है। लास्ट में एक रिप्लाई मिलता है, आपने आखिर मेरे लिए किया क्या है, ये कुंभ राशि को देखने को मिलता है। कुंभ राशि की जब मैं बात करता हूं, क्योंकि कुंभ राशि में 10th हाउस के स्वामी जो हो जाते हैं वो मंगल हो जाते हैं, और राशि का और दशमेश का यानी लग्न का और दशमेश का आपस में शत्रुता है, तो सारा काम करा लिया जाता है, और प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं, सारा काम करा लिया जाता है। और जब काम के क्रेडिट की बात की जाती है तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, काम का क्रेडिट दिया ही नहीं जाता है।
बहुत मेहनत करने के बाद रिजल्ट ना मिलना, लास्ट मोमेंट पर काम का जाकर के असफल होना, मानसिक अशांति होना, धोखा प्राप्त होना, ये कुंभ राशि में देखा गया है। इसीलिए मैं बार बार कुंभ राशि के लिए यज्ञ इत्यादि, अलग अलग पूजन इत्यादि आयोजन करता हूँ ताकि मैं विशेष लाभ आपको दे पाऊं। अब इस महीने की अगर मैं बात करता हूं, बृहस्पति के फोर्थ हाउस में होने के कारण, टेंथ हाउस पर उनकी दृष्टि होने के कारण और मंगल का सेकंड हाउस में होने के कारण प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव जरूर दिखेगा। 12 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है कि 12 वर्ष बाद बृहस्पति आपके फोर्थ हाउस में आएंगे, आपके टेंथ हाउस को दृष्टि देंगे। इट मींस कि कार्य क्षेत्र में बदलाव होने जा रहा है, प्रमोशन इत्यादि मिलने जा रहा है, सेटिस्फेक्शन, दिल को हृदय से सुकून मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये महीना होगा जब थोड़ा सुकून महसूस करेंगे, यस जो संघर्ष चल रहा था, जो डिफिकल्टी चली आ रही थी, उससे मुझे रिलीफ मिला। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत दिन का जो चलता हुआ विवाद था वो सॉल्व होने जा रहा है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड जो सुख की प्राप्ति आपको चाहिए थी वो सुख की प्राप्ति आपको होने जा रही है। आर्थिक लाभ आपको जरूर होने जा रहा है इस महीने। शेयर मार्केट इत्यादि से धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से पैसा आएगा इस महीने में। धन का लाभ तो मैं ये कह सकता हूं, ये नोट कर लीजिएगा आप मेरी बात, कि आर्थिक लाभ इस माह में निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में क्लियरली दिख रही है। एक और चीज, जिनसे आप प्रेम करती हैं या करते हैं, या आपका जो मैरिज पार्टनर है, आपके लाइफ पार्टनर है, पति पत्नी, इनके जीवन में कुछ बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त होगा। इनको सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि की भी प्राप्ति इस महीने होने वाली है, जिसको लेकर के आपका हृदय जो है वो गदगद रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा। लेकिन साथ में इनको अहंकार भी उत्पन्न होगा, तो उससे थोड़ा मन परेशान रहेगा कि हम इनके बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचती हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा ध्यान नहीं देते, ये लेकर के थोड़ा मन में रहेगा। परिवार में थोड़ा उलझन प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, धन का डिसीजन के कारण कुछ नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। बच्चे कुछ ऐसा डिसीजन ले जिससे मन अशांत रहे, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो घर में थोड़ा कलह का माहौल, कलेश का माहौल दिख रहा है, उसमें सावधानी रखिएगा। खैर, आप जानते हैं कि रात को 9 बजे आपके लिए रोज लाइव आता हूं, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं दिन में मुझे 5-6 हजार लोग कॉल करते हैं, सो ऐसे कंडीशन में कॉल करें, बोले कॉल अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के विस्तार से मेरे साथ आप बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा मेरे द्वारा अगर आयोजन करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ विशेष आयोजन आपके लिए मैं करने जा रहा हूं अयोध्या में, तो उसके लिए भी आप मैं कॉल कर सकते हैं। 6 जून को शनि जी का जन्मोत्सव है, शनि पूजन आपके लिए खास होने जा रहा है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।